नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आशी प्रतीक और बढ़ते हैं आज की खास खबर की तरफ। अब खबर मकराना से है। मकराना थाना क्षेत्र के ग्राम कालवा बड़ा में एक राय होकर खेत में घुसकर मारपीट करने, महिला की लज्जा भंग करने और जबरन कृषि कार्य से बेदखल करने का एक मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने प्रार्थी कल्याण राम पुत्र पूसा राम ने न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मकराना को पेश इस्तगासे पर प्राथमिकी दर्ज कर मुकदमा नंबर 272 भादस धारा 323, 341, 447, 504, 147, 148, 149 में दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस जांच अधिकारी ASI जगदीश सिंह मीना ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका नक्शा तैयार किया और परिवादी और परिवार से घटना के संदर्भ में विस्तृत जानकारी ली। प्रार्थी ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी श्याम सिंह राजेंद्र सिंह निवासी बागोली जिला सिकरहाल मुकाम कालवा, श्याम सुंदर प्रजापत खरेश, राजू राम कालवा, भीवाराम मकराना व अन्य 3-4 लोग लाठी सरिये कुल्हारी लेकर आए। हमारे खेत में कब्जा करने के आशय से एक राय होकर बोलेरो जीप में बैठ कर आए, खेत में जबरन घुस गए। परिवादी तथा परिवादी के परिजनों द्वारा खेत में किए जा रहे कृषि कार्य को जबरन रुकवा दिया। आरोपियों ने महिलाओं के साथ धक्का मुक्की कर लज्जा भंग कर दी। परिवादी घटना का मुकदमा दर्ज कराने थाना गया तो उसकी रिपोर्ट नहीं, उल्टा शांति भंग के आरोप में झूठा मुकदमा बनाकर 151 गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने हमारी भूमि को कुर्क करवाने तथा मुलाजमान को कब्जा पुलिस के मार्फत करवाने की धमकियाँ दी। प्रार्थी ने बताया कि कालवा में खसरा नंबर 34 व 66 में उनकी व उनके भाइयों की 23 बीघा कृषि भूमि है। राजू राम ने गलत रिकॉर्ड के आधार पर अन्य आरोपियों को बेचैन कर दिया। आरोपी नाजायज तरीके से पुलिस व गुंडागर्दी के बल पर हमारे कृषि भूमि पर काबिज कर बेदखल करने पर उतारू हैं। परिवादी ने बताया कि आरोपी धन बली और बाहुबली हैं, राजनीतिक पहुंच है, इसके वजह से जान माल का खतरा बना हुआ है।